हाय गाइस, दिस इज राइट एकेडमी। और मैं इस समय आपके लिए एक करंट का एक पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने की रिक्वेस्ट कमेंट आई थी कि एक करंट का भी बना दीजिए, ठीक है। तो उसे देखते हुए मैंने करंट का किया है। इसमें 100 क्वेश्चन हैं और ये MPG के हैं। इसके बाद मैं नेशनल का अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको दोनों सही रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एमपी का, एमपी में, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाइए और रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगी उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, ठीक है। आगासौद, बड़झिरी, बम्होरी, हाथौर, ठीक है। तो कौन सा है? बड़झिरी, ठीक है। बड़झिरी कहाँ पे? भोपाल का ये गांव है, ठीक है। तो कहाँ है? बड़झिरी, ठीक है। फिर देखते हैं इसका आंसर। दूसरा, बड़ा गांव और सायखेड़ा मध्य प्रदेश की दो नई तहसीलें बनाई गई हैं, यह क्रमशः किस जिले से संबंधित है, ठीक है। नरसिंहपुर टीकमगढ़, टीकमगढ़ नरसिंहपुर, नरसिंहपुर छिंदवाड़ा और टीकमगढ़ छिंदवाड़ा। तो कौन सा है? देखिए, इसमें बड़ा गांव जो है टीकमगढ़ की है और सायखेड़ा किसकी है? नरसिंहपुर की। तो आपको ये सिक्वेंस भी याद रखना है, नेक्स्ट में रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कंपनी ने किस कंपनी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में हीरा खनन परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया है? ए, गीतांजलि जेम्स, बी, रियो टेंटो, ठीक है, सी, टाइटन एंड डी, PC ज्वेलर्स। तो किसने लिया है? रियो टेंटो ने। नेक्स्ट देखें, देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्केल पार्क का मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शिलान्यास किया गया है? ए, जबलपुर, बी, इंदौर, सी, भोपाल, डी, ग्वालियर। तो कहाँ पे किया गया है? भोपाल में। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? ए, मंदसौर, बी, पन्ना, सी, इंदौर, डी, शिवपुरी, ठीक है। तो कौन सा है इसका? ए, मंदसौर। नेक्स्ट देखें, नर्मदा सेवा यात्रा कुल कितने दिनों तक चलाई गई? 138, 148, 158, 168। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। कितने दिन चली थी? 148 दिन। नेक्स्ट देखें, 21वीं राज्य युवा उत्सव 2017 का शुभारंभ 2 जनवरी को कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ किया गया, ठीक है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, पन्ना। तो इसका आंसर क्या है? ए, भोपाल में। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश सरकार के आसपास की खोज कार्यक्रम का संबंध किससे है? ए, महिला विकास से, बी, स्कूली बच्चों से, सी, रोजगार सृजन से, डी, बालिका पोषण से, ठीक है। तो आसपास खोज से किससे है? स्कूली बच्चों से। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा राज्य बिजली की मांग और उपलब्धता में देश के प्रथम 5 राज्य में शामिल है? ए, पंजाब, बी, मध्य प्रदेश, सी, बिहार, डी, राजस्थान। तो कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश का पहला डीजी धन मेला 19 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया? ए, इंदौर, बी, ग्वालियर, सी, भोपाल, डी, जबलपुर, ठीक है। तो जो डीजी मेला है, ठीक है, तो कहाँ किया गया? भोपाल में। नेक्स्ट देखें, 31 जनवरी 2017 को अनुमोदित कौशल्या योजना का संबंध है? महिलाओं को पेंशन, मातृत्व पोषण, महिलाओं को प्रशिक्षण, डी, महिलाओं बालिकाओं में शिक्षा, ठीक है। तो क्या आंसर है? महिलाओं को प्रशिक्षण। सरकारी शुभंगर हासिल करने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला टाइगर रिजर्व का सरकारी शुभंकर भूर सिंह है, यह कौन सा जीव है? ए, टाइगर, बी, चीतल, सी, बारह सिंगा, डी, सोन चिड़िया, ठीक है। तो कौन सा है? बारह सिंगा। नेक्स्ट देखें, इंदौर शहर की महक जैन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, सेलिंग। तो किससे है? टेनिस से। नेक्स्ट देखें, प्रसन्नता के संकेत तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, गुजरात, डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखें, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अंकित शर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन। तो किससे है? क्रिकेट से। मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता कौन है? ठीक है, हेमंत गुप्ता, ऋषि कुमार, UC महेश्वरी, पुरुषेंद्र कौरव। तो कौन है? पुरुषेंद्र कौरव। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट नियुक्त किया गया है? ए, भोपाल, बी, इंदौर, सी, जबलपुर, डी,
ग्वालियर, तो किस में है, बी इंदौर, 14 फुट लंबा रोबोट इसके लिए किया गया नियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रमाणी बजट की पहल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो कौन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखें हम लोग, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने जुलाई 2017 में किस नदी कछार में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं, तापी, चंबल, नर्मदा, सोन, तो किस में लगाए हैं, नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नियाज मोहम्मद खान, कबीर खान, मनिंदर सिंह, रवीना खान, तो कौन बने हैं, नियाज मोहम्मद खान। नेक्स्ट देखें, किस राज्य ने जुलाई 2017 में खाद्य आयोग गठित किया है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, तो किसने किया, मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है, अनुराग बैजल, अनुपम राजन, अनुराग राजन, अनुपम बैजल, कौन है, अनुपम राजन। ठीक है, ये ठीक है, अब मैं MP में कटनी डिस्ट्रिक्ट, उससे कलेक्टर भी थे कुछ समय पहले 2001, ठीक है, उस समय। नेक्स्ट देखें, नरोत्तम मिश्रा किस राज्य के राजनेता हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, किसके हैं, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश का वह पहला राज्य कौन सा है रहा जिसने अपने वित्तीय वर्ष की समयावधि को जनवरी दिसंबर किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो कौन था, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश का 2017 बजट सत्र कब से शुरू हुआ, 31 मार्च, 28 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी, तो कब से हुआ, 21 फरवरी से। नेक्स्ट देखें, स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 मई को सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, इंदौर, वाराणसी, जयपुर, अमृतसर, तो कौन रहा, इंदौर। ठीक है, निम्न में से मध्य प्रदेश की किस विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल 2017 को उपचुनाव हुआ, अटेर, बांधवगढ़, केवल ए और डी, ए और बी दोनों, कौन है, डी, ए और बी दोनों। स्वच्छता आधारित पहल के लिए किस फाउंडेशन को पुरस्कार मिला है, आगा खा फाउंडेशन, पेरियार फाउंडेशन, अयंगर फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं, तो किसे मिला है, आगा खा फाउंडेशन। हाल ही में गो एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में कहाँ शुरू की गई, पन्ना, विदिशा, खरगोन, शिवपुरी, तो कहाँ की गई, खरगोन में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रामलाल सिंह, ऋषि कुमार शुक्ला, हेमंत गुप्ता, बसंत प्रताप सिंह, कौन है, हेमंत गुप्ता, ये 23वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में 22 फरवरी को पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र की सौगात दी गई, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा, तो कहाँ दी गई है, इंदौर में। नेक्स्ट देखें, पर्यटन दौड़ गो हेरिटेज रन का आयोजन 26 फरवरी को कहाँ संपन्न हुआ, पन्ना, खजुराहो, इंदौर, भोपाल, तो कहाँ हुआ है, खजुराहो में। नेक्स्ट देखें, खुशबू परियोजना किससे संबंधित है, इत्र उद्योग से, महिला कल्याण, बाल शिक्षा, कैदियों का पुनर्वास, तो किससे है, कैदियों के पुनर्वास से। वर्तमान में मध्य प्रदेश नगर निगम की संख्या कितनी है, 14, 16, 12, 18, तो कितनी है, 16। ग्रीन गणेश अभियान 2017 का आयोजन किस राज्य में किया गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो कहाँ कब कहाँ गया है, मध्य प्रदेश में। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, राजेंद्र कुमार सिंह, अजय सिंह, बसंत प्रताप सिंह, हेमंत गुप्ता, तो कौन है, बसंत प्रताप सिंह। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर सीतारमण शर्मा, राजेंद्र कुमार सिंह, अजय सिंह, यूसी महेश्वरी, तो कौन है, अजय सिंह। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यूसी महेश्वरी, केडी खान, हेमंत गुप्ता, बसंत प्रताप सिंह, तो कौन है, केडी खान। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में शुरू हुई भावांतर योजना का पंजीयन की स्थिति से किस तिथि से प्राप्त स्थान हुआ, ये तिथि है यहाँ पे। ठीक है, 1 सितंबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, 1 नवंबर 2017, 1 अगस्त, कब से हुआ, 1 अक्टूबर 2017। सॉरी, इसका आंसर जो है 1 अक्टूबर न होकर के क्या है, 1 सितंबर 2017, इससे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मिस्टेक मेरे हाथ हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, 1 सितंबर 2017। ठीक है, नेक्स्ट देखें,
लोक संप्रेषण लोक संप्रेषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मंगला प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र शर्मा, भक्ति यादव, प्रकाश कोहली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए मंगला प्रसाद मिश्रा। 6 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पूर्णतः खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो किसे किया गया है? इंदौर को। ठीक है, नेक्स्ट देखें 43। मई 2017 में जारी हुई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 की रैंकिंग में भारत के 100 शहरों में से मध्य प्रदेश के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? 17, 22, 23, 25। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने किए गए? 22 शहरों को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नर्मदा सेवा यात्रा कब तक चलाई गई? 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017, 11 सितंबर 2016 से 15 मई 2017, 11 नवंबर 2016 से 15 मई 2017, 11 अक्टूबर से 15 मई 2017। तो कब से हुई? 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017, टोटल 148 दिन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कितने दिन चली। ठीक है, तीरंदाजी के एशिया कप में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया? शिवांश अवस्थी, मुस्कान किरार, अमित यादव, उपरोक्त सभी। तो कौन है? उपरोक्त सभी। इससे आपको ये तीनों नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, शिवांश अवस्थी, मुस्कान किरार, अमित यादव। तो इसके तीनों किससे हैं? तीरंदाजी। नेक्स्ट देखें, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में वर्तमान में कितनी सेवाएं अनुसूचित की गई हैं? 413, 252, 552, 300। कितनी हैं? 252। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्यसभा की संख्या कितनी होती है? 250, उससे दो ज़्यादा है लोकसभा प्रदाय। ठीक है, अधिनियम। नेक्स्ट देखें, मेगा फूड पार्क बनाने के लिए केंद्र से मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्वीकृति मिली है? मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास। तो कहाँ मिली है? मंदसौर। नेक्स्ट देखें, लोकेश्वर नाथ मंदिर जिसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है किस जिले में स्थित है? रीवा, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सागर। तो कहाँ पे है? रीवा में। शंकर जी की मढ़िया राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है किस जिले में है? रीवा, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सागर। देखिए, ये है शिवपुरी में। ठीक है, आपसे ऊपर पूछा था। ठीक है, लोकेश्वर नाथ वो रीवा में है, जबकि शंकर जी की मढ़िया कहाँ है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य में आनंद उत्सव 2017 का आयोजन कब किया गया? 17 जनवरी से 21 जनवरी, 14 जनवरी से 21 जनवरी, 15 जनवरी से 21 जनवरी, 26 जनवरी से 31 जनवरी। तो कब किया गया है? 14 जनवरी से 21 जनवरी। आप इसे याद रख सकते हैं, 14 जनवरी क्या है? मकर संक्रांति है। ठीक है, उसी दिन से शुरुआत हुआ था आनंद महोत्सव। वैसे ही मकर संक्रांति को आनंद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? भक्ति यादव, सुंदरलाल पटवा, रविशंकर शुक्ल, मंगला प्रसाद मिश्रा। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर पद्म विभूषण पूछे तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है सुंदरलाल पटवा को। ठीक है, जबकि पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? भक्ति यादव, सुंदरलाल पटवा, रविशंकर शुक्ल, मंगला प्रसाद, ठीक है, मिश्रा। तो इसका आंसर क्या है? भक्ति यादव। ये डॉक्टर दादी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। वर्ष 2016-17 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया, प्रदान किया गया? सोम ठाकुर, माया गोविंद, बाल कवि बैरानी, सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो किसे दिया गया कवि प्रदीप सम्मान? सुरेंद्र शर्मा को। सुनीता ध्रुवे का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, मार्शल आर्ट, फुटबॉल। तो किससे है? मार्शल आर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रदेश की पहली अंडा सेल जेल कहाँ खोली जा रही है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी भोपाल में। शिखर गर्ग का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, सेलिंग, हॉकी, जेवलिन थ्रो। तो किससे है? सेलिंग से। ठीक है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2016-17 किसे प्रदान किया गया है? बहाउद्दीन ड्योंगर, माजरो असनर केलकर, मंजूषा कुलकर्णी, कपिला भेड़ो। देखिए, इसमें 16-17 बोला है, इसका अर्थ है 2017 का। ठीक है, तो 2017 का मिला है कपिला भेड़ो को। ठीक है, जबकि 2017-18 ठीक है किसे मिला है? मंजूषा कुलकर्णी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, और जबकि अगर 17-18 का पूछे तो क्या जाएगा? सी। ठीक है, तो आपसे अभी पूछा था 16-17 का, तो आंसर क्या है? कपिला वेणु। ये दोनों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है? चंबल, छिप्रा, बेतवा, नर्मदा। ठीक है, तो किसे दिया गया है? नर्मदा नदी को।
उत्तराखंड ने, ठीक है, किसे दिया है? गंगा नदी को, मध्य प्रदेश ने नर्मदा को। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे। कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो किसे मिला है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें टाइगरों की संख्या बढ़ोतरी है। नेक्स्ट देखें हम लोग, लोगों की आवास की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, अधिकतर अगर ऐसा राज्य पूछे तो आप मध्य प्रदेश ही टिक कीजिएगा, मोस्ट ऑफ देम में वही होता है। नवाचार से संबंधित रत्नानंदिता अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में संपन्न हुआ? भोपाल, दतिया, छिंदवाड़ा, सागर। तो कहाँ हुआ रत्नानंदिता अभियान? दतिया में। सार्क देशों का 2 दिवसीय स्पीकर सम्मेलन मध्य प्रदेश शहर में संपन्न हुआ? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो कहाँ हुआ है? इंदौर में, सार्क देशों का स्पीकर का, है ना। प्रदेश का पहला आपदा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हथौद, आगासौद, महू, हिनौतिया आलम। कहाँ किया जा रहा है? हिनौतिया आलम, भोपाल। ठीक है, तो जिला आपको रखना है याद, कौन सा? भोपाल। फिर नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 3 बार। तो कितनी बार हुआ है? 5 बार। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर दादी के नाम से किसे जाना जाता है? मंगला शर्मा, भक्ति यादव, विनीता अग्रवाल, महक कश्यप। ठीक है, किसे जाना जाता है? ठीक है, भक्ति यादव, डॉक्टर दादी, जिसे हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि इन्हें पद्मश्री मिला है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कमल चावला का संबंध किससे है? मुक्केबाजी, ताइक्वांडो, स्नूकर, बैडमिंटन। किससे है? स्नूकर से। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कौन है? दीपक जोशी, शरद जैन, कुमार विजय शाह, विश्वास सारंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या है? दीपक जोशी। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन एवं जन शिकायत निवारण के मंत्री कौन है? भूपेन्द्र सिंह, जयभान सिंह, राजेंद्र शुक्ल, पारस जैन। ठीक है, तो कौन है? जयभान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भोपाल में आयोजित कैनो स्प्रिंट में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना। इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? कितने जीते हैं? 34 पदक। मध्य प्रदेश सरकार के आसपास की खोज कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्कूली बच्चों से, महिलाओं से, मजदूरों से, वृद्धों से। तो किससे है? स्कूली बच्चों से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए इसका, है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला डीजी धन मेला 19 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। ठीक है, तो पहला जो किया गया है कहाँ पे है? भोपाल। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन विक्रम पुरस्कार 2017 खेल एवं खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है? धर्मेंद्र अहिरवार, तैराकी, दिव्यांग। तो ये सही है। स्वेच्छा जाटो वुसु खेल से, ये भी सही है। संजय सिंह राठौर शूटिंग से है। सोना कीर साइकिलिंग से नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन विक्रम पुरस्कार 2017 खेल एवं खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा? विक्रम के ही पूछा पूरे ऑप्शन। ठीक है, रीना सिंघिया कराटे जबलपुर, शैला चार्ल्स सेलिंग भोपाल, सरिता रैकवार, ठीक है, पावर लिफ्टिंग जबलपुर, नरेंद्र समेलिया कबड्डी इंदौर। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? नरेंद्र समेलिया कबड्डी इंदौर। नेक्स्ट देखें, स्वच्छता आधारित पहल के लिए किस फाउंडेशन को पुरस्कार मिला? शंख घोष फाउंडेशन, आगा खां फाउंडेशन, सलीम उल्ला खान फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है? आगा खां फाउंडेशन। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2017 किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, रामशंकर कठेरिया, राम पूंजी, रामदेव, ठीक है, भरद्वाज एंड डी प्रफुल्ल सामंत। ठीक है, तो इसे किसे मिला? प्रफुल्ल सामंत को। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, चूँकि क्या है, इसमें से आपको फॉरेस्ट वाला भी पेपर इंक्लूडेड है, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रामशंकर कठेरिया, राम पूंजी, रामदेव भरद्वाज, प्रफुल्ल सामंत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, रामशंकर कठेरिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस सी एस टी एक्ट आना है तो उसका अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है। ठीक है,
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 29 मई, 16 अप्रैल, 22 मई। तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। विश्वामित्र पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है? दविंदर सिंह खनूजा, तरुणाचार्य, प्रीतम जैन, ठीक है, और डी है ए और बी दोनों को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कौन सा है? डी, ए और बी दोनों को। इसका अर्थ है दविंदर सिंह खनूजा और तरुणा चावरे। तो याद रखना आपको कि विश्वामित्र पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट देखे, निम्न में से कौन एकलव्य पुरस्कार 2017 खेल एवं खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है? सुदीप्ति हजेला, घुड़सवारी इंदौर, तेतिक्षा मराठे तैराकी, विश्वजीत सिंधो ड्रॉइंग, ठीक है, एंड डी इसमें एक और ऑप्शन है, तो डी का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। लास्ट वन जो था हर्षिता तोमर, कयाकिंग कैलोइंग भोपाल, तो ये वाला सम्मिलित नहीं है डी, ठीक है। नेक्स्ट में आप इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन एकलव्य पुरस्कार 2017 खेल एवं खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है? आकाश रोडेले कबड्डी, इसका साहब लियर्ड स्नूकर इंदौर, माला कीर कयाकिंग कैलोइंग, तितिक्षा मराठे सॉफ्टवेयर वॉल, ठीक है। तो 81 का क्या है आंसर? डी फिर है इसका। आप इन पूरों को अगर एक बार लिख लेंगे कॉपी में तो ऐसा सेट है कि आपको एक दूसरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव करूँगा तो थोड़े से टाइम लगेगा, आपका एग्जाम भी, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ना। जीएसटी बिल को पास करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? पाँचवा, छठवा, सातवा, आठवा, तो कौन सा है? सातवा, ठीक है। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? मंगला शर्मा, भक्ति यादव, विनीता अग्रवाल, अर्चना चिटनीस, ठीक है। तो कौन है इस समय? अर्चना चिटनीस है मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत कला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कौन सा? बी, मुरैना में। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देश की पहली ई मंडी कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना, तो कहाँ की गई है? भोपाल में। द्वितीय सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तो इसका जो आंसर है यहीं पे आ जाएगा 86 का। द्वितीय सैनिक स्कूल कहाँ है? भिंड में, जबकि पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? रीवा में, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैनिक स्कूल दूसरा एमपी में ओपन हुआ, ठीक है। मेट्रो रेल लाइन इंदौर से भोपाल किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है? अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, तो किसकी है? जापान, ठीक है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन की शुरुआत कब से की गई? 2015, 2016, 2017, 2014, कब से की गई? 2016 से। वार्षिक पुलिस अकादमी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, तो कहाँ किया जा रहा है? ग्वालियर में। डिजिटल डाकिया योजना कब से शुरू की गई? 20 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2017, 14 जनवरी 2017, 16 जनवरी 2017, तो ये भी मकर संक्रांति से ही शुरू हुई, इसका था 14 जनवरी 2017 से। पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में कब से लगाया गया? 1 मई 2017, 10 मई 2017, 12 मई 2017, 16 मई 2017, तो कब से किया गया है? 1 मई 2017 से। छोटे हथियार बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? मुरैना, रीवा, सतना, मालनपुर, तो कहाँ किया गया है? मालनपुर में, ठीक, मालनपुर, भिंड। नेक्स्ट देखें, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? प्रभाकर कुलकर्णी, प्रिंस फरमान, अफवान यूसुफ, संजय सिंह राठौर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रभाकर कुलकर्णी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट 2017 पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, छात्रवृत्ति देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकिशोर स्वान, राज विसारिया, बंसी कौल, राम गोपाल बजाज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है किसे किया गया है? ए, राजकिशोर स्वान को। कालिदास सम्मान से किसे 2016-17 सम्मानित किया गया है? राजकिशोर स्वान, राज विसारिया, बंसी कौल, राम गोपाल बजाज, ठीक है। तो देखिए 16-17 पूछा है, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? बंसी कौल, जबकि इसे मैंने कहा था 2017-18 का है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नहीं, रामगोपाल बजाज ज़्यादा, ठीक है, रंगकर्मी के रूप में मिला है इन्हें रामगोपाल बजाज को 17-18 का करंट का। जल महोत्सव मध्य प्रदेश में कब आयोजित किया जाएगा? 1 जनवरी 2018, 2 जनवरी 2018, 3 जनवरी 2018, 26 जनवरी, तो कब किया जाएगा? 2 जनवरी 2018 को, ठीक है, जो कि हो चुका है, ठीक है। अजीत, डिजिटल साक्षरता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का इसमें स्थान प्रथम है और जिसमें फर्स्ट होता है वो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में भोपाल का क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आठवां। ठीक है, तो भोपाल आया था द्वितीय, जबकि मध्य प्रदेश सॉरी इंदौर आया था फर्स्ट। ठीक है, तो कौन था? इंदौर फर्स्ट, ठीक है, और भोपाल सेकंड। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रभास जोशी खेल पुरस्कार 2017 मलखम हेतु किसे प्रदान किया गया? तरुणा चावरे, चंद्रशेखर चौहान, देवेंद्र सिंह खनुजा, उपरोक्त सभी। तो ये मिला है चंद्रशेखर चौहान को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रभास जोशी खेल पुरस्कार क्योंकि मलखम खेल के लिए दिया जाता है और मलखम क्या है? मध्य प्रदेश का, ठीक है, राज्य के खेल है। तो गाइस हम लोगों ने एमपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100 कर लिए हैं। इसके बाद मैं सेकेंड टेस्ट राष्ट्रीय का डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। इन्हें एटलीस्ट पीएससी से एक से दो बार जरूर देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को रिवीजन के लिए भी टाइम रहे। ठीक है, तो इसे इतना ही फास्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, और इसे जरूर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और साथ ही सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए। ओके, थैंक यू।